भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य एवं गुजरात युवा मोर्चा के प्रभारी गौरव गौतम ने कहा कि पूर्व सैनिकों ने अपना पूरा जीवन देश की रक्षा में लगा दिया। देश की रक्षा करते हुए पूर्व सैनिकों ने अपने सामाजिक दायित्व का भी निर्वाह किया है। सेना में बेहतरीन सेवा देने के बाद समाज के निर्माण में भी पूर्व सैनिक अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का महापर्व आगामी 12 मई को है। लोकतंत्र के इस महापर्व में पूर्व सैनिक भी अपनी भागीदारी निभाएं और भाजपा के पक्ष में वोट करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की एकता और अखंडता को बनाने के लिए कार्य किया, देश की सेना को मजबूत करने का काम किया। भाजपा सरकार ने पूर्व सैनिकों को सम्मान देते हुए वन रैंक वन पेंशन स्कीम शुरू की गई। भाजपा सरकार ने सबका साथ सबका विकास का नारा देते हुए योजनाएं बनाई, जिसका लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को भी मिला है। कार्यक्रम देश की आन बान और शान, जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन समर्पित किया और इस देश को सींचा है जिन्होंने अपने खून से, ऐसे पूर्व सैनिक आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। उन्होंने सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही सरकार में अपना विश्वास किया है कि आने वाले समय में पूर्व सैनिक हों, चाहे सैनिक हों, चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे युवा हो, उसके लिए ये सरकार अच्छा काम कर रही है और उसी के हाथ में इस देश का भविष्य भी सुरक्षित है। इन लोगों ने इतना भव्य कार्यक्रम किया है, सब लोगों ने संकल्प लेकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने का संकल्प लिया है और ज़्यादा से ज़्यादा पूर्व सैनिकों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़कर और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग 12 तारीख को करवाएंगे। कमल के निशान पर बटन दबाने का इन्होंने आज संकल्प लिया है। मैं इन पूर्व सैनिकों का भी इस मीडिया के माध्यम से हाथ जोड़कर धन्यवाद और साधुवाद करना चाहता हूँ। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य एवं गुजरात युवा मोर्चा के प्रभारी गौरव गौतम अध्यक्षता में आज पलवल के गांव असावटा में स्थित एव वीनो वाटिका में पूर्व सैनिकों ने भाजपा के पक्ष में वोट करने के लिए अपना समर्थन दिया। पलवल से यशमा सिंह की रिपोर्ट।